गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी, उसमें सेकंड नंबर का पार्ट है अहिंसा के दूत। उसके शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम उसको देखते हैं। खरोचे यानी निशान, तमाचा यानी थप्पड़, बेवजह यानी बिना कारण, नोकझोंक यानी वह लड़ाई झगड़ा जहाँ एक दूसरे को चुभने वाली बात की जाए। तो आपको इस शब्दार्थों को घर पे अपनी नोटबुक में लिख देने हैं। उसके बाद आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें पेज नंबर 14 अहिंसा के दूत। नम्रता की चरम सीमा का नाम ही अहिंसा है। यह भाव हमें संसार के सभी प्राणियों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। बचपन से ही मोहनदास गांधी जी को पेड़ पर चढ़ने का शौक था। तो किसे पेड़ पर चढ़ने का शौक था? तो मोहनदास गांधी जी को। पिताजी मना करते थे। कौन मना करता था? पिताजी। उन्हें डर लगता था कि मोहन को पेड़ से गिरकर चोट न लग जाए। पिताजी के बार बार मना करने पर भी बालक मोहन उनकी नजर बचाकर पेड़ों की टहनियां, टहनियां यानी उन पेड़ों की डाल पर उछल कूद किए बिना न रहते थे। तो किसके बार बार मना करने पर भी बालक मोहन पेड़ पर चढ़ जाते थे? तो पिताजी के मना करने पर भी बालक मोहन पेड़ पर चढ़ जाते थे। एक दिन लुक छिपकर मोहन पेड़ पर चढ़ गए। तो कौन पेड़ पर छिपकर चढ़ गया? मोहन। उनके बड़े भाई ने कमरे की खिड़की से उन्हें पेड़ पर चढ़ते देख लिया। पेड़ पर चढ़ते मोहन की टांग खींचकर भाई ने मोहन को जमीन पर गिरा दिया। तो किसने मोहन को जमीन पर गिरा दिया? तो मोहन के बड़े भाई ने उनको टांग खींचकर नीचे गिरा दिया। अधिक चोट तो नहीं लगी, पर कुछ खरोचे, खरोचे यानी निशान, उनके शरीर पर अवश्य हो गई। मोहन उठकर जैसे ही खड़े हुए, बड़े भाई ने उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा। तमाचा यानी थप्पड़। क्यों रे मोहन, कितनी बार कहा है कि पेड़ पर नहीं चढ़ना है? तो किसने तमाचा मारा मोहन को? तो मोहन को उनके बड़े भाई ने तमाचा मारा। मोहन ने रोते हुए माँ से कहा, देखो माँ, बड़े भाई ने हमें मारा है। तो माँ ने पूछा, तुमने कोई शरारत की होगी? मोहन ने कहा, शरारत नहीं की, बस पेड़ पर चढ़कर हवा का आनंद ले रहा था। तो मोहन पेड़ पर चढ़कर क्या कर रहे थे? तो हवा का आनंद ले रहे थे। माँ ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि भाई ने तुम्हें बेवजह यानी बिना कारण मारा है, तुम भी जाकर उसे मारो। तो माँ ने मोहन से क्या कहा कि तुम्हें भाई ने बेवजह मारा है, तो तुम भी जाकर उसे मारो। यह सुनकर मोहन उदास हो गए और कहा, माँ, वे मुझसे बड़े हैं, आप मुझे बड़ों को मारना क्यों सिखाती हो? माँ ने कहा, बेटा, भाइयों में तो ऐसी नोकझोंक होती रहती है। नहीं माँ, मैं भैया के तमाचे का जवाब तमाचे से नहीं दे सकता। आप मारने वालों को नहीं रोक सकती, मुझे मारना सिखाती हो। माँ ने बालक गांधी को अपनी गोद में भरकर कहा, तुम्हें ऐसे जवाब कहाँ से सूझते हैं रे मोहन? तो आपको इस पाठ को घर पे एक बार फिर से पढ़ लेना है और उसको समझ लेना है। उसके बाद पेज नंबर 16, गांधी जी के बचपन की यह घटना हमें सिखाती है, हिंसा का बदला हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से भी लिया जा सकता है।
तो गांधी जी की बचपन की घटना हमें क्या सिखाती है कि हमें हिंसा के बदले हिंसा नहीं करनी चाहिए, मगर उसको अहिंसा से भी बदला जा सकता है। गांधी जी मन, वचन और कर्म से जीवन भर इसी सिद्धांत का पालन करते रहे। तो गांधी जी मन, वचन, कर्म से कौन सा सिद्धांत का पालन कर रहे थे? तो अहिंसा का। भारत के इतिहास में अहिंसा के पुजारी या अहिंसा के अवतार नाम से याद किया जाता है। तो उन्हें किस नाम से याद किया जाता है? अहिंसा के पुजारी और अहिंसा के अवतार नाम से गांधी जी को याद किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अभ्यास के लिए देखो, तो उसमें पहला है श्रुत एवं उच्चारण अभ्यास, यानी यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको अपनी नोटबुक में वैसे की वैसे लिख देने हैं अच्छे राइटिंग से। उसके बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए। तो पहला उसमें गांधी जी का पूरा नाम बताइए। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दूसरा, गांधी जी के पिताजी किस कार्य को करने से मना कर रहे थे? तो गांधी जी के पिताजी गांधी जी को पेड़ पर चढ़ने के लिए मना कर रहे थे। तीसरा, बड़े भाई ने क्या देखा? तो बड़े भाई ने खिड़की से गांधी जी को पेड़ पर चढ़ते देखा। पेड़ पर चढ़कर मोहन क्या कर रहे थे? तो पेड़ पर चढ़कर मोहन हवा का आनंद ले रहे थे। उसके बाद पेज नंबर 17 पे किसने किसने कहा, किससे कहा? तो कितनी बार, उसमें पहला है कितनी बार कहा कि पेड़ पर नहीं चढ़ना है, तो ये वाला वाक्य किसने कहा? तो बड़े भाई ने किसको कहा? मोहन को। दूसरा, देखो माँ, बड़े भाई ने हमें मारा है, तो ये वाला वाक्य किसने बोला है? तो मोहन ने। और किसे कहा है? माँ को। तुमने कोई शरारत की होगी, तो ये वाला वाक्य किसने बोला है? माँ ने। किसको कहा है? मोहन को। तुम्हें ऐसे जवाब कहाँ से सूझते हैं, तो ये वाला वाक्य किसने कहा है? माँ ने। किससे कहा है? मोहन से। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, तो उसको आपको ब्लैंक में फिलअप करना है। तो उसमें पहला है, गांधी जी को पेड़ पर चढ़ने का क्या था? शौक था। एक दिन ब्लैंक मोहन पेड़ पर चढ़ गए, तो उसमें क्या आएगा? एक दिन लुक छिप कर मोहन पेड़ पर चढ़ गए। कितनी बार कहा है कि ब्लैंक पर नहीं चढ़ना, तो किस पर नहीं चढ़ना है? तो पेड़ पर। माँ ने पूछा, तुमने कोई शरारत की होगी। हिंसा का बदला हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से भी लिया जा सकता है। तो आपको ऊपर दिए गए शब्दों को देखकर ब्लैंक को फिलअप कर देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला, मोहनदास गांधी जी को पेड़ पर चढ़ने का शौक कब था? तो मोहनदास गांधी जी को पिताजी के मना करने पर भी पेड़ पर चढ़ने का शौक था। उसमें सेकंड, पिताजी को किस बात का डर था? पिताजी को मोहन पेड़ से गिर चोट न लग जाए इस बात का डर था। बड़े भाई ने क्या किया? तो बड़े भाई ने मोहन को मुंह पर तमाचा मारा। मोहन उदास क्यों हो गए?
तो मोहन उदास हो गए, क्योंकि बड़े भाई के मारने पर माँ ने बताया कि तुम भी जाकर उसे मारो। इस बात को सुनकर मोहन उदास हो गए। तो आपको ये वाले क्वेश्चन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। उसमें पहला है, मोहन ने तमाचे का जवाब तमाचे से क्यों नहीं दिया? तो मोहन ने तमाचे का जवाब तमाचे से नहीं दिया क्योंकि मोहन सोचते थे कि मैं भी मारूंगा तो उनमें और मुझ में क्या फर्क, और वे हमसे बड़े हैं तो मोहन बड़ों का आदर करना जानते थे, इसलिए तमाचा नहीं मारा। तो आपको ये वाले भी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख देने हैं। उसके बाद है भाषा ज्ञान। घिर प्लस कर यानी गिर कर, बचा प्लस कर बचा कर, छिप प्लस कर छिप कर, खींच प्लस कर खींच कर, चढ़ प्लस कर यानी चढ़कर, सुन प्लस कर यानी सुनकर। तो ये वाले शब्द आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप कर देने हैं। सही स्थान पर चंद्र बिंदु और बिंदी लगाकर लिखिए। तो ऊंचाई में क्या आएगा, चंद्र बिंदु या बिंदी? तो चंद्र बिंदु। कहा में चंद्र बिंदु, मुंह चंद्र बिंदु, गांधी चंद्र बिंदु, अहिंसा में बिंदी, सिद्धांत में बिंदी। तो ये आपको घर पे अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप कर देना है। और जो क्वेश्चन आंसर है, रिक्त स्थान है, वो अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिख देना है। थैंक यू।